गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम बात करेंगे डी रिएक्शन तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन हो जाएगी इसके पहले हमने दो रिएक्शन पढ़ी हुई है कौन सी थी वो डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोला था तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टन एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि रिएक्शन इन विच टू और टू और मोर रिएक्टन कॉम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है उसका एक आ, उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे ठीक है जैसे कि कॉल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है यानी कि जब कॉल को बर्न किया जाता है बर्निंग ऑफ कॉल तो वो क्या हो जाएगा आ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी अब इसके साथ साथ दूसरा जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो एक्जोथर्मिक किसे बोला था कि जहाँ ऐसी रिएक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में या फिर प्रोडक्ट में हीट इवॉल्व हो रही हो ठीक है इवोल्यूशन ऑफ हीट इन प्रो, प्रोडक्ट ठीक है तो उसे क्या बोला जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन ठीक है तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी वो ज़्यादातर सारे क्या हो जाएगी एक्जोथर्मिक में भी आ सकती है ठीक है तो अब हमें बात करनी है डी रिएक्शन अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है तो वो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी तो उससे एक ऑपोजिट रिएक्शन है क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या है ऑपोजिट है क्यों ऑपोजिट है तो जो उसकी डिफाइन है वो आप समझोगे तब आपको पता चल जाएगा कि डिकम्पोजिशन की डिफाइन क्या है कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर क्या होगा एक सिंगल रिएक्टन में से क्या हो रहा हो टू या मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रही हो ठीक है एक प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो रहा हो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही हो तो उसे क्या बोला जाएगा डी रिएक्शन इट मीन्स जहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टन एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे बट डी में क्या होगा एक सिंगल रिएक्टन दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट uh, फॉर्म कर रहा है ठीक है तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हुए ओके तो इसकी डिफाइन क्या हो सकती है डी रिएक्शन तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टन ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इट इट इज कॉल्ड या फिर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डी रिएक्शन तो आप ये डिफाइन उसकी लिख सकते हैं ठीक है थीके? अब ये डी रिएक्शन यानी कि इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो रिएक्टेंट यूज होते हैं तो उस उसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनते हैं वो और भी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो रिएक्टन में यूज़ हुआ है उसमें से जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या होगा और भी सिंपल सब्सटेंस में या फिर सिंपल प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है थीके? वो हम देखेंगे एग्जांपल में और इसके साथ साथ जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है नीडेड होता है ज़रूरी होता है ठीक है तो उसी के बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्री टाइप्स से कौन से कौन से तो एक जहाँ पर हीट की ज़रूरत हो और वहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा हो बराबर हीट के थ्रू डिक, डिकम्पोजिशन हो रहा हो तो उसे क्या बोला जाएगा उस टाइप को थर्मल डी क्या बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन दीजिए ठीक है सेकेंड सेकेंड जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या इलेक्ट्रोलाइसिस सेकेंड जो टाइप से उसका वो क्या है इलेक्ट्रो Electro, इलेक्ट्रोलाइसिस इसिस ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस इसका मतलब वहाँ पर कौन सी एनर्जी जरूर रिक्वायरमेंट है तो इलेक्ट्रिक करंट देकर वहाँ पर डिकम्पोजिशन करवाया जा रहा है इट मीन्स वो जो रिएक्टेंट होगा उसे और भी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है ठीक है फिर थर्ड जो है वो है फोटोलाइसिस या फिर उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं कौन सा फोटोलाइसिस फोटो photo. अब ये फोटोलाइसिस में कौन सी एनर्जी आएगी तो सनलाइट एनर्जी फोटोलाइसिस ये आपको नाम इसके तीन टाइप्स याद रखने हैं कौन से कौन से हम देखने वाले भी हैं ठीक है थीके? एक हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन जो बाय हीट से डिकम्पोजिशन कर किया जा रहा हो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी से डिकम्पोजिशन कर किया जा रहा हो ठीक है और फोटोलाइसिस तो वहाँ पर क्या होगा एक लाइट एनर्जी यानी कि जो सनलाइट एनर्जी का यूज करके वहाँ पर पर्टिकुलर रिएक्टन को क्या किया जा रहा है डिकम्पोजिशन किया जा रहा है ठीक है तो इनके एनर्जी के बेसिस पर ये डिकम्पोजिशन के तीन टाइप से जो आपको याद रखना है और वो हम देखने वाले भी है अभी हम देखेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन तो फिर से एक बार डिकम्पोजिशन की डिफाइन रिपीट कर लेता हूँ जो आप नोट कर देना कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टन्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर एक्टिविटीज दी है और उसके ऊपर से एग्जाम्पल हमें समझाया है तो यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अबाउट टू ग्राम फेरस सल्फेट हमें क्या करना है दो ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल अब ये फेरस सल्फेट के हमें क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे जैसे कि शुगर के क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के होते हैं ठीक है ठीके? तो इसी तरह ये फेरस सल्फेट के ओके okay, क्रिस्टल देखने को मिलेंगे यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में फेरस सल्फेट है और उसे हमें किस में डालना है इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब यानी कि जो टेस्ट ट्यूब होती है इसी तरह बॉइलिंग ट्यूब होती है जिसे हम गर्म करें तो वो ब्रेक डाउन होगा नहीं उस वो कुछ हद तक की हीट क्या कर सकती है महसूस यानी कि सह सकती है ठीक है जिसकी वजह से आपको जो चीज़ें गर्म करनी हो वो उसके अंदर कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये बॉइल बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमें आ, फेरस सल्फेट को लेना है क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट ठीक है इट इज़ नॉट दैट द कलर ऑफ सल्फेट तो जो फेरस सल्फेट का जो कलर है ठीक है वो कौन सा है ग्रीन तो जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तब तो उस फेरस सल्फेट का कलर कौन सा है ग्रीन अब इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है जब ग्रीन कलर होता है तब उसका फॉर्मूला क्या है Fe. एक मिनट हाँ उसका फार्मूला हो जाएगा FeSO4 एसओ फोर सेवन एच टू ओ क्या हो जाएगा एफ ई एस ओ फोर इंटू सेवन एच टू ओ तो ये एक फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट तो है बट कौन कौन से टाइप का एक हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड क्यों मैं बोल रहा हूँ ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है हाइड्रेटेड का मतलब क्यों आ, क्या होगा कि इसके अंदर पानी के मोलिक्यूल भी प्रेजेंट है कितने मोलिक्यूल सेवन मोलिक्यूल जिसकी वजह से इसका जो कलर बनेगा वो कौन सा बनेगा ग्रीन कलर बनेगा ठीक है जैसे ये मोलिक्यूल हम हीट देकर उसे रिलीज कर देंगे यानी कि वहाँ से जो जब रिएक्शन होकर निकल जाएंगे तब जाके वो क्या हो जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यानी कि जब ये इसके सेवन एच टू जब रिलीज हो जाते हैं रिमूव हो जाते ठीक है तो उसके बाद जो एफ एस ओ फोर बचेगा उसे क्या बोला जाता है डिहाइड्रेटेड डीहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्या बोला जाएगा उसे डीहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ओके क्योंकि उसके पास अब पानी के मॉलिक्यूल नहीं हैं ठीक है ठीके? तो ये आपको याद रखना है जब पानी के मॉलिक्यूल होते हैं तब उसका कलर कैसा होता है ग्रीन होता है ठीक है फेरस सल्फेट का ओके okay. अब इसके बाद क्या किया जाएगा कि ये फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है बाय बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प ओके okay. तो फिगर uh, में भी आप देख सकते हैं बॉइलिंग ट्यूब इज हीटेड ऑन आइदर अ बर्नर या फिर फ्लेम ऑफ स्पिरिट लैम्प ठीक है ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग इट इज सीन फेरस सल्फेट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन है बट डॉट आएगा क्या आएगा बीच में डॉट आएगा एफ ई एस ओ फोर इंटू सेवन एच टू ओ जो वाटर लूज करेगा जब उसे हीट किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा वाटर उसके अंदर के पानी के मॉलिक्यूल्स लूज होने वाले हैं एंड वेन हीटेड और ज्यादा हीट किया जाएगा तब जाके क्या हो जाता है उसका जो ग्रीन कलर है क्रिस्टल का वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक है अब चेंज होने के बाद कौन सा कलर आ जाता है वो भी आ, देख लेते हैं <coughs> तो देख लो पहले ये स्टेटमेंट कि इन द एक्सपेरिमेंट इट कैन सीन ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज एंड वी कैन स्मेल कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर हाँ तो यहाँ पर कलर तो चेंज हो रहा है बट इसके साथ साथ जो सल्फर जो बर्न हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एफ ई एस ओ फोर है क्या है एफ ई एस ओ फोर ठीक है तो यहाँ पर जो सल्फर है वो हीट होने की वजह से क्या होगा यानी कि बर्न होने की वजह से उसकी स्मेल फिर आने लगेगी ठीक है और ये जो फेरस सल्फेट है जो पानी का मोलिक्यूल उसके अंदर से रिलीज हो गया उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है और उसे और भी हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा तो फेरिक ऑक्साइड में इसे क्या बोलेंगे हम ये फेरिक ऑक्साइड कहाँ पे आएगा इसके नीचे आएगा ठीक है ये फेरिक ऑक्साइड फिर ये एसो टू को बोला जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और एसो थ्री को बोला जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो दोनों एक गैसियस फॉर्म में हमें मिलेंगे जबकि फेरिक ऑक्साइड है फेरिक ऑक्साइड एफ टू ओ थ्री वो कौन से फॉर्म में मिलेगा हमें सॉलिड के फॉर्म में ठीक है और जो फेरस सल्फ सल्फेट था वो तो ऑलरेडी क्रिस्टल के फॉर्म में था ओके और इसे बैलेंस करने के लिए फेरस सल्फेट के आगे टू लगाना पड़ेगा ओके और यहाँ पर जो एनर्जी यूज हो रही है वो कौन सी है हीट एनर्जी जिसकी वजह से किस कौन सा टाइप हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन अब थर्मल डिकम्पोजिशन की आपको डिफाइन uh, लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीजिशन इट इज कॉल्डोजिशन ठीक है या फिर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन तो शॉर्ट में ऐसी डिकम्पोजिशन uh, की रिएक्शन जहां पर हीट, हीट का यूज किया जा रहा है फ्रॉम सॉरी फॉर एनर्जी ठीक है एनर्जी के फॉर्म में ओके तो इसकी वजह से उसे क्या बोलेंगे थर्मल डी ओके तो ये रिएक्शन एक बार देख लो रिएक्शन क्या है कि एफ ई एस ओ फोर अब देखो एफ एस ओ फोर ठीक है एफ ई एस ओ फोर गिव्स हीट एफ ई टू ओ थ्री हाँ अब ये एफ ई ओ एफ ई टू ओ थ्री जो कन्वर्ट हुआ तो अब ये नया कलर हमें उस क्रिस्टल का देखने को मिलेगा यानी कि वो कौन सा है एफ ई एफ ई टू ओ थ्री और वो कलर कौन सा होगा तो रेडिस ब्राउन टाइप का हमें कलर देखने को मिलेगा कैसा याद रखना है आपको रेडिस ब्राउन जो किसका हो जाता है एफ ई टू ओ थ्री जो रिएक्शन होने के बाद पहले एफ ई एस ओ फोर इंटू सेवन एस टू का कौन सा था ग्रीन कलर था कौन सा था वो ग्रीन कलर ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अब देखो वी इसकी डिफाइन दी है कि वे अ सिंगल रिएक्टन ब्रेक डाउन गिव अ सिंपल प्रोडक्ट ये भी लिख सकते हैं आप ठीक है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हो रहा है इसकी वजह से जो सिंगल रिएक्टन जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो क्या होगा अपने को और भी सिंपल सब्सटेंस में फॉर्म करता है इन प्रोडक्ट में ठीक तो है तो गिव सिंपल प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटर रहेगा कि जो मैंने आपको बोली थी वो डिफाइन आप लिखना रखो ठीक है क्योंकि वहाँ पर क्या है एक दो मैच हो रहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और डीकम्पोजिशन की वो एक दूसरे से क्या है अपोजिट है वहाँ पर सिंगल डिकम्पोजिशन में क्या होगा सिंगल रिएक्टन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में टू और मोर सब्सटेंस बनाएगा और कॉम्बिनेशन में क्या होता था दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे ठीक है तो ये याद रखनी भी आपको इजी हो जाएगी तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन फ़ेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड दी कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज यानी कि जब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जब पानी लूज करता है और फिर जब उसे हीट किया जाता है यानी कि पानी लूज कब करेगा जब उसे हीट किया जाता है और इसके साथ साथ क्रिस्टल का कलर भी क्या होता है चेंज हो जाता है ठीक है फिर देन डिकम्पोजिशन डीकम्पोज होने के बाद कौन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं तो फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, एस ओ टू सल्फर ट्राई SO3 थ्री ठीक है तो ये दोनों क्या है एक टाइप के गैस है और ये फेरिक ऑक्साइड क्या है सॉलिड के फॉर्म में है ठीक है एक नेक्स्ट रिएक्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन की जो कौन सी है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइम स्टोन सी ए सी ओ थ्री ठीक है उस उसे जब गर्म करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है इसके साथ साथ ये जो है वो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेरियस इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती है और उसमें से एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है आपको सीमेंट बनाने की मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट ये भी आप याद रख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम बोला जाता है तो उसके बहुत सारे यूजेज है और उसमें से एक मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये आपको याद रखना है शॉर्ट में अब देखो इसका जो केमिकल इक्वेशन है सीएस थ्री हीट यहां पर भी क्या किया जा रहा है हीट दिया जा रहा है जिसकी वजह से क्या बनेगा क्विकलाइन इट मीन कैल्सियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी ठीक है <coughs> तो यहां पर आप यह केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है देखो वेन डी रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल थर्मल डिकम्पोजिशन तो ये आप ये भी डिफाइन आप थर्मल डिकम्पोजिशन की लिख सकते हैं कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पर हीट की ज़रूरत यानी कि हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा हो ठीक है तो उसे क्या बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल यानी कि वो हीट का ही एक सिमिलर वर्ड है अदर एक एग्जाम्पल है थर्मल डी का जो यहाँ पर हमें बोला है फिर से एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया कि टू ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा पी बी लेड लेड का सिंबल क्या होता है पी बी ठीक है पी बी और नाइट्रेट अब ये पी बी जो पॉजिटिव आएंगे के फॉर्म में होगा तो वो कौन से फॉर्म में पी बी टू प्लस जिसकी वजह से ये प्राइस कट के नीचे नाइट्रेट में टू आया है ओके okay, और नाइट्रेट का क्या होता है एनओ थ्री माइनस एन ओ थ्री माइनस वन तो माइनस वन था इसकी वजह से पी बी के नीचे कुछ नंबर लगा नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बी एनओ थ्री ट्वाइस ठीक है तो ये हो गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला अब इसे क्या किया जा रहा है बॉइलिंग ट्यूब के ट्यूब के अंदर पाउडर के फॉर्म में टू ग्राम लिया जा रहा है और उसे गर्म किया जाएगा होल्ड बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग ठीक है यानी चिपिया और हीट इट ओवर और उसके उसे हीट किया जा रहा है ठीक है इन अ एज शोन इन फिगर फिगर यहां पर दिखाई नहीं है आप टेक्स्ट बुक में उसकी फिगर देख सकते हैं तो व्हेन अ पाउडर ऑफ लेड नाइट्रेट हीट इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब वी कैन ऑब्जर्व ब्राउन फ्यूम्स फ्रॉम दैट तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा जब उसके आ, उसका माउथ होगा ठीक है किसका बॉयलिंग ट्यूब का तो वहाँ से एक ब्राउन गैस गैस हमें देख वहाँ से रिलीज हो रहा हो ठीक है इवॉल्व हो रहा हो ऐसा हमें देखने को मिलेगा ठीक है तो वो ब्राउन कलर या फिर ब्राउन जो नई प्रोडक्ट बन रही है गैसियस के फॉर्म में वो कौन सी है तो वो और कुछ नहीं बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कौन सा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एक गैसियस फॉर्म में और एक दूसरी प्रोडक्ट कौन सी बनती है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो कलरलेस है ऑक्सीजन कैसा है कलरलेस गैस uh, है ठीक है तो दिस फ्यूम आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये आपको याद रखना है कि ये एक्टिविटी में किसका कलर ब्राउन uh, फ्यूम में देखने को मिलता है ठीक है तो लेड ऐसा भी आ सकता है कि बिलड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तब जाके जो ब्राउन कलर के जो गैस निकलती है वो कौन सा कौन से सब्सटेंस की होती है ठीक है तो वो कौन सा आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो यहां पर जो इक्वेशन है पीबीएन एनओ थ्री ट्वाइस को गर्म किया जाएगा हीट किया जाएगा तब क्या बनेगा PbO PbO को क्या बोला जाएगा लेड ऑक्साइड है ये लेड ऑक्साइड किसके नीचे लिखना है ये PbO के नीचे ये बाई मिस्टेक हो गया है तो आप चे आ, पे लिखना है आपको के नीचे फिर फोर एन ओ टू यानी फोर लगाया है जिसे बोला जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो ये तीन प्रोडक्ट यहां पर बन रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहां पर भी तो ये भी एक डिकम्पोजिशन है बट हीट देकर ये डिकम्पोज हो रहा है जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाएगा थर्मल डीकंपोजिशन ठीक है दिस रिएशन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन अक्रिंग लेड नाइट्रेट पी बी एनओ थ्री ट्वाइज एन ओ थ्री ट्वाइज क्या बनाएगा लेड ऑक्साइड पी बी ओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ टू एंड ऑक्सीजन जिसमें लेड नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड क्या है सॉलिड के फॉर्म में बल्कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या है गैसियस फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये बात थी यहाँ पर डिकम्पोजिशन किसे बोला जाता है और उसका फर्स्ट टाइप हमने देखा कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन ठीक है अब नेक्स्ट हम पार्ट में देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस ठीक है थैंक यू